हाय गाइस, मैं हूं स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने ध्यान को रख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूं, जो कि आपको थंबनेल देख के ऑलरेडी पता चल ही गया है। एंड ये वीडियो होने वाला है एक रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में एंड मेरे यूट्यूब में मुझे ये कॉमेंट आ रही थी कि कुछ ऐसे टैन रिमूव करने के लिए ऐसे कुछ स्किन केयर लेके आओ। एंड ये भी कमेंट आ रहा था कि आप हमेशा लेडीज गर्ल्स के लिए ही वीडियो बना रहे हो एंड कुछ ऐसे जेंट्स एंड बॉयज के लिए ऐसे कुछ वीडियो नहीं बना रहे हो। बट आज वीडियो होने वाला है हर किसी के लिए। अगर आप गर्ल्स हो, लेडीज हो, बॉयज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, बट ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होने वाली है। लेने वाली हूँ और जो उनकी डीटेल एंड रेंज के बारे में एंड उसकी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड पहले मैं बताती हूँ, अक्सर हम अपनी स्किन की केयर जितनी भी कर ले तो कहीं ना कहीं टैनिंग तो हो ही जाती है। एंड कभी कभी बहुत लोग ऐसे भी है स्किन की प्रॉपर केयर कर भी नहीं पाते, तो इसकी वजह से भी टैनिंग हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी स्किन केयर प्रॉपरली हो, बट कभी कभी मिस हो ही जाती है, तो इसलिए कभी कभी टैनिंग हो भी जाती है। हर जगह हम प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, ऐसे सिचुएशन भी हमारे सामने आ जाती है। तो अगर आपकी स्किन में सनबर्न है, आपकी स्किन में टैनिंग है, तो कैसे उसको रिमूव कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर टैनिंग को अच्छे से आप रिमूव नहीं करोगे, हमारी स्किन में डलनेस आ जाएगी, हमारी स्किन ड्राई हो जाएंगे एंड बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहेगा हमारी स्किन में। उसके साथ साथ हमारी स्किन की टेक्सचर भी खराब होने लगेंगे एंड पिगमेंटेशन हो जाएगी। जैसे बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज जो कि सन बर्न एंड सन डैमेज से हो जाती है, तो उससे हम कैसे बचेंगे, अगर हो गया है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे डिटेल्स में। एंड क्या क्या प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर मेरे चैनल में आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ओजन की डीटैन फेस वॉश है, उसके बाद मेरे पास ये ओजन की डीटैन स्क्रब है, देन मेरे पास ये ओजन की डीटैन फेस पैक है, उसके बाद मेरे पास ये ओजन की ग्लो फोर्स जो ये है सनस्क्रीन है। ये चारों प्रोडक्ट जो है मैं यूज करती हूँ। एंड कैसे यूज करना है एंड क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगी, क्या क्या प्रॉब्लम है तो आप उसको यूज कर सकते हो, वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह है, जो कि ओजन की जो पैकेजिंग है ना, मुझे बहुत ज्यादा लग्जूरियस लगती है, बहुत ज्यादा आई कैचिंग है, खुद आप देख सकते हो। एंड उसकी क्वांटिटी है 100 ml, तो फेस वॉश जो है आपकी 2.5-3 महीने बहुत अच्छे से जो है चल जाएगी, तो देख सकते हैं ये। एंड इसकी प्राइस है 200 something का है, तो बहुत अच्छी प्राइस में बहुत अच्छी प्रोडक्ट ये मिल जाती है। एंड ये फेस वॉश जो है हमारी स्किन में जो ऑयल है, जो टैनिंग है, उसको रिमूव करती है। एंड इसको आप डेली बेसिस में यूज कर सकते हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग जो रूटीन आप फॉलो कर सकते हो, तो आपकी स्किन में जो भी एक्सेस ऑयल है, टैन है, वो जो है अच्छे से रिमूव हो जाती है। ये फेस वॉश पैराबेन सिलिकन फ्री है एंड इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड किया गया नहीं है। एंड ये हमारे स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जो भी डॉट है, जो भी टैन है, उसको रिमूव करता है एंड हमारी स्किन को क्लियर, सॉफ्टर एंड ग्लोइंग भी बनाती है। एंड हमारे जो नेचुरल ऑयल है हमारी स्किन में, वो भी रिमूव नहीं करता है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड इसमें है हर्बल एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है, कुकुम्बर है, जो कि हमारी स्किन को कैम करने में हेल्प करता है। एंड क्रिस एक्सट्रैक्ट है एंड ग्रीन टी है, जो कि रिमूव करता है टैन को और हमारे स्किन को रेडियंट एंड यूथफुल बनाती है, जो कि अब बिफोर आफ्टर क्लिप में आप बेटर समझ में आएगा यहाँ पे। एंड फर्स्ट वॉश में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यूज करती हूँ ओजन की डीटैन स्क्रब है, वो की पैकेजिंग आप देख सकते हो, कुछ ऐसे पैकेजिंग है। स्क्रब जनरली आपकी वीक में ट्वाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप ट्वाइस नहीं कर पाते तो वन वीक में एक बार तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर दो बार करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी स्किन में जो टैनिंग की वजह से, किसान बन की वजह से एक लेयर बन जाती है, उस लेयर का हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको नहीं हटाओगे स्क्रबिंग की हेल्प से, अगर नहीं हटाओगे तो वो स्किन में हमारे रह जाते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, जैसे जिद्दी दाग जो हमारे फेस में आ जाते हैं, वो रिमूव होना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी जो स्किन में जो डॉट है, टैनिंग है, ये सारी चीजें जो है स्क्रब से जो है रिमूव हो जाते हैं। जगह आजकल पॉल्यूशन की लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, आपकी स्किन, आप बाहर जाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, तो प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते कि हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। इस स्क्रब में है वॉलनट पाउडर, एलोवेरा एंड लिक्रिस एक्सट्रैक्ट है, जो कि अच्छे से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करके हमारी स्किन की जो के ऊपर जो एक डेड स्किन लेयर है उसको रिमूव करके एक फ्रेश, हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन जो है प्रोवाइड करता है। एंड ये डीपली क्लींस करता है एंड हमारे पोर्स को प्यूरीफाई करता है, देन टैन को लाइटन अप करने में हेल्प करता है, देन हमें मिलता है एक फ्रेश रेडियंट ग्लो मिलती है। हमारी फर्स्ट वॉश में जो है आपको फर्क जो है दिखाई देने लगते हैं। एंड ये भी पैराबिन फ्री एंड सिलिकन फ्री एंड इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर एडिट नहीं किया गया है।
ओके स्क्रबिंग के बाद मैं अप्लाई करती हूँ ओजोन की D10 फेस पैक है एंड ये कुछ ऐसे पैकेजिंग था, आपको देख सकते हो सबकी पैकेजिंग काफी सेम है एंड ये है हमारी फेस पैक। जब स्क्रब करने के बाद आप फेस पैक अप्लाई कर सकते हो, उससे क्या होता है हमारी जो टैनिंग भी रिमूव होती है एंड बहुत ज्यादा हाइड्रेट भी करता है, ऐसे नहीं कि ड्राई नहीं करता है, बहुत ज्यादा हाइड्रेट भी करता है। एंड फेस पैक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल जो हमारी स्किन में रह जाती है वो फेस पैक से जो है रिमूव हो जाती है एंड हमारी जो नेचुरल ऑयल है उसको रिमूव नहीं करता है, जो एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करता है। तो पे करना भी बहुत इजी है, आप जो है अगर आपको बहुत ज्यादा टैनिंग है तो दो तीन दिन में आप एक एक बार कर सकते हो, मतलब वीकली आप दो बार तीन बार आप कर सकते हो। अगर दो तीन बार आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत बिजी रहते हो नहीं कर पाते, तो वीकली एक बार तो करना बनता है। एंड ये फेस पैक जो है हमारी डेड स्किन, डैमेज सेल एंड डिहाइड्रेटेड स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करती है, मतलब डीपर लेयर तक जाके उसको ट्रीट करता है। एंड इसमें है सिया बटर भी है जो कि डीपली नरिश करता है एंड हमारे स्किन को सॉफ्ट, सपल एंड मोर ग्लोइंग बनाती है। एंड इसमें है स्किन रिन्यूइंग ब्राइटनिंग फार्मूला है जो कि रिड्यूस करता है टैन एंड इफेक्टिवली वर्क करता है, जो हमारे अनइवन स्किन टोन है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है एंड ब्राइटर एंड रेडियंट लुक भी बनाती है। उसको अप्लाई करना बहुत इजी है, 15 मिनट्स तक अप्लाई करके इसे फेस पे रहने देना है, देना आप उसको रिमूव कर सकते हो। तीन स्टेप अगर आप फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आपकी टैनिंग जो है हट जाएगी। एंड आप अभी मेरे फेस में डिफरेंस देख सकते हो एंड पहले मेरे फेस कैसे दिख रही थी एंड अभी फेस मेरी काफी ज्यादा ग्लोई एंड ब्राइट दिख रही है। D10 फेशियल अगर आप पार्लर में कराने जाते हो तो बहुत कॉस्टली आते हैं, अगर आप सिंपल स्टेप फॉलो करके आप जो है D10 घर पे कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई कर सकते हो, बहुत सारा पैसे जो है आपको डेफिनेटली बच जाएंगे, टाइम भी सेव हो जाएगी क्योंकि इतनी बिजी लाइफ में हम बाहर जाके फेशियल कराना एंड इतने पैसे खर्च करना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है जो कि उसको यूज करके आपकी फेस में, आपकी बॉडी में जितनी भी फेस में आपकी टैनिंग है उसको आप रिमूव कर सकते हो। बहुत अगर इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूले एंड वहां पे मैंने इस प्रोडक्ट की डिटेल्स, लिंक मैंने सारे दे दी है एंड वहां से आप परचेस कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। ओजोन की और भी कुछ प्रोडक्ट मैंने ट्राई कर ली हूँ एंड ओजोन की प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है एंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड ये सारे मेरे फेवरेट भी है, तो डेफिनेटली आप उनको ट्राई कर सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर यहाँ तक आप आ चुके हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो बहुत जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस बाय।